बच्चों, आप सभी को आठवीं कक्षा में स्वागत है। कैसे हो? ठीक है ना। तो पहले हम कौन सा पाठ पढ़े थे? हम होंगे कामयाब। अब हम दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। दूसरे पाठ का नाम क्या है, आप सभी को पता है ना? Yes. राजा बदल गया। तो हमारे दूसरे पाठ का नाम है राजा बदल गया। राजा बदल गया। तो पाठ में जाने से पहले हम राजा और राजाओं के बारे में बात करेंगे। हमारा देश बहुत प्राचीन और विशाल देश है। यहाँ पर कई धर्म के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग संस्कृति, संप्रदाय और वेशभूषा पूरी अलग अलग होती है। प्राचीन काल में हमारे देश को कौन राज करते थे? राजा लोग। कौन राज करते थे? राजा लोग। तो राजा लोग कहां पर रहते हैं? राजमहल में। राजा कहां रहता है? राजमहल में। तो अब हम पाठ में आएंगे। तो यहां पर पाठ में एक लड़का रहता है। उस लड़के का नाम क्या है? राजेश। उस लड़के का नाम क्या है? राजेश। राजेश क्या कर रहा था? वह जंगल से जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सोने का सिक्का। सोने का सिक्का दिखाई देता है। तो जब राजेश क्या करता है, क्या ये सोने का सिक्का राजेश का है क्या? नहीं। तो फिर वो क्या करता है? वो कहता है कि इसे लेकर मैं, वो हाथ में लेता है और कहता है कि यह मेरा नहीं है, मैं इसे लेकर क्या करूं, ना ही रख सकता हूं और ना ही फेंक सकता हूं। तो इस तरह वह सिक्का लेता है, अपने पास भी रख नहीं सकता है और फेंक भी नहीं सकता है। क्यों? वह दूसरों की चीज है, दूसरों की वस्तु है। अगर आप रहे तो क्या करते थे? उस सिक्के, सोने के सिक्के को लेकर आप खर्च कर देते थे। लेकिन अगर आपके स्थान पर मैं होता तो क्या करता हूँ? बस सोने के सिक्के को किसी को, दूसरों को दे देता हूँ। तो सोना यानी क्या है यहाँ पे? स्वर्ण, गोल्ड। सोना यानी क्या है यहाँ पे? गोल्ड, स्वर्ण। सोना यानी क्या है? स्वर्ण। तो इस प्रकार राजेश जंगल में जाता है, उसे सोने का सिक्का मिलता है, वह उसे पकड़ लेता है। पकड़ लेने के बाद वो सोचने लगता है कि इसे क्या करूं, क्या ना करूं। तो बाद में वो करता क्या करता है, अब हम देखेंगे। तो सोने को सिक्के को लेकर वो आगे बढ़ते जाता है। आगे यानी यहाँ पर कहाँ पर? जंगल में। जंगल में रास्ते हुए जाते समय उसे एक साधु मिलता है। साधु, साधु यानी मुनि लोग। साधु मिलता है। ये साधु कैसे रहते हैं? कैसे साधु मिलता है? माला जपते हुए। माला जपते साधु मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है? राजेश उस सोने के सिक्के को किसे देता है? साधु महाराज को देता है।
साधु महाराज को देता है। साधु लोग कहाँ पर रहते हैं? ज्यादातर जंगल में रहते हैं। ज्यादातर यानी बहुत सा समय तो कई साधु लोग तो जंगल में रहते हैं। उनका काम क्या है? जंगल में रहना, भगवान का स्मरण करते रहना, माला लेते हैं और जप करते रहते हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ऐसे कुछ मंत्र वो क्या करते हैं, हर पल बोलते रहते हैं। उनका जीवन विधान साधारण सा रहता है। तो देखिए यहाँ पे हाथ में कमंडल है और जपमाला है और एक लकड़ी है। तो यहाँ पर क्या होता है हम देखेंगे। साधु महाराज लोग जंगल में रहते हैं और वे हर पल भगवान का स्मरण करते रहते हैं। स्मरण यानी क्या है? याद। तो वे जंगल में रहकर क्या करते हैं? फल खाते हैं, फल खा के अपना जीवन बिताते हैं। फल खाकर अपना जीवन बिताते हैं। तो इस तरह साधु महाराज माला जपते हुए वे क्या कर रहे थे? जंगल से जा रहे थे। साधु महाराज को देखा है। कौन देखा है? राजेश देखा है। तो जब राजेश क्या करता है, उस सिक्के को लेकर, कौन सा सिक्का? यस, सोने का सिक्का। सोने के सिक्के को लेकर वो किसने देता है? साधु महाराज को देता है। तो जब साधु महाराज कहते हैं कि बेटा यह सिक्का कहा, साधु महाराज आश्चर्य से कहते हैं कि आश्चर्य यानी आश्चर्य, सरप्राइज, सरप्राइज से देखकर वो सिक्के को देखकर वो कहते हैं कि क्यों सरप्राइज होते हैं? यानी साधु महाराज लोगों को ये सिक्के की कोई भी जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फिर बाद में क्या होता है, हम बाद में सिक्का को देखकर साधु महाराज कहते हैं कि बेटा यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो किसी गरीब को दे दो, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। वह क्या कर सके? अपना पेट भर सके। सोने के सिक्के से पेट कैसे भरता है? सोने के सिक्के से पेट ऐसे भरता है कि वो सोना लेकर जाकर किसी को दिए तो वो पैसा देता है, पैसों से वे अनाज, चावल, दाल, तरकारियां, सब्जियां, फल ये लाकर वे अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन साधु महाराज को इस स्वर्ण की, सोने की जरूरत नहीं है। वे तो जंगल में रहते हैं, साधारण सा जीवन बिताते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है देखेंगे। साधु की बात तो अब क्या होता है, साधु महाराज की बात सुनकर राजेश जंगल में आगे बढ़ते चले जाता है। तो रास्ते में उसे क्या दिखाई देती है? सेना। सेना यानी क्या है? मिलिट्री। सेना किसकी सेना? एक राजा की सेना। राजा की सेना जंगल से जा रही थी। तो उसे देखकर, कौन देखा है यहाँ पे? राजेश। राजेश देखकर वो कहता है कि जरूर कुछ न कुछ बात होगी, जरूर कुछ न कुछ बात होगी, कि नहीं तो राजा इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जा रहा है। तो उसे राजा क्या, राजेश क्या करता है, एक सैनिक से पूछता है कि भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? तो जब सैनिक कहता है, अब हम पाठ में आगे पढ़ेंगे, पूछा भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? राजा लोग सेना लेकर कहाँ जाते हैं? यस, किसी दूसरे पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। दूसरे पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं, क्यों? अपना राज्य विस्तार करने के लिए। आपके पास धन दौलत, घर, गाड़ियां, बंगले है तो भी आपका मन भरता है क्या? नहीं। एक घर है तो दूसरा घर और एक घर लेना चाहते हैं, और एक घर है तो और एक घर लेना चाहते हैं, गाड़ी है उसे बेचकर दूसरी गाड़ी लेना, फोन्स, एक फोन है बस नहीं होता, मार्केट में नया फोन आता है उसे फोन खरीदने के लिए हम पुराना फोन बेच देते हैं और नया फोन लेते हैं। इस तरह हमारा जीवन रहता है। लेकिन साधु लोगों का जीवन तो ऐसा नहीं रहता है। तो इस तरह राजा भी क्या करता है, दूसरों पर आक्रमण करने लिए जाते हैं। ये हमारे राजा शूर सिंह है,
तो अब मुझे बताओ कि राजा का नाम क्या है? यस, शूर सिंह। राजा का नाम है शूर सिंह। शूर सिंह। तो जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं, पड़ोसी देश पर लूटने जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? राजा। राजा का नाम क्या है? शूर सिंह। तो शूर सिंह दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। ये बात कौन कहा है? एक सैनिक ने कहा है। कौन कहा है? राजा के एक सैनिक ने। एक सैनिक ने। तो बाद में क्या होता है देखेंगे। आक्रमण करने जा रहा है शूर सिंह। क्या कहां जा रहा है? आक्रमण करने जा रहा है। आक्रमण क्या यानी लूटना दूसरों पर। दूसरों के ऊपर अधिकार चलाना और उन्हें लूट लेना, धन दौलत और इमारतें और आदि आदि। तो इस तरह राजा क्या कर रहा है? लूटने जा रहा है। किसे लूटने जा रहा है? दूसरे राज्य राज्य को लूटने जा रहा है। राजा का नाम क्या है? शूर सिंह। तो यहां पर एक बात मैं आपसे कहता हूं कि दूसरों को लूटना, दूसरों पर आक्रमण करना क्या उचित है? क्या मुझे पूछे तो मैं कहता हूं कि उचित नहीं है। क्यों? भगवान हमें सब कुछ दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, मुंह दिया है, और काम करने के लिए हमें सोच भी दी है। तो हम अपने स्वयं से अपना जीवन बिताना चाहिए। तो आगे क्या होता है कि अब हम देखेंगे। लूटने जा रहे हैं तो सैनिक कहता है कि वे उनके राजा, राजे से कहता है कि वे उनके राजा है, राजा का नाम शूर सिंह है, और वो दूसरों को आक्रमण कर कर लूटने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, उसने यानी यहाँ पे कौन है? सैनिक। तो बाद में क्या होता है अब हम देखेंगे। राजेश राजा के पास गया तो फिर इसकी बात सुनकर, किसकी बात सुनकर? सैनिक की बात सुनकर राजा क्या, राजेश क्या करता है? राजा के पास जाता है। सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। सोने का सिक्का बढ़ाते नहीं, आगे करते हुए, हाथ में सोने का सिक्का पकड़ता है, वे हाथ में हाथ को आगे बढ़ाते हैं और कहता है, लीजिए महाराज, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए, लीजिए महाराज, लीजिए आप इसे रख लीजिए। वो सोने का सिक्का राजेश हाथ में पकड़कर उसे राजा को देता है। तो आप, मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं कि राजा को क्यों देता है? राजा को क्यों देता है? तो देखिए क्या होता है, आप इसे रख लीजिए बेटा, मुझे क्यों देना चाहते हो? जब राजा शूर सिंह राजेश से कहते हैं कि बेटा यह सिक्का मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा, आश्चर्य सरप्राइज, आश्चर्य से पूछा है कि यह सोने का सिक्का तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? महाराज एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना, राजेश करुणा स्वर में बोला। तो जब राजेश कहता है कि महाराज एक साधु ने कहा था कि, एक साधु ने कहा था, साधु किसे कहा था? राजेश से। राजेश को साधु कहाँ मिला है? जंगल में। राजेश कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा था। तो साधु महाराज ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे सिक्का दे देना। साधु महाराज कहते हैं कि जो सबसे गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं रहता है, धन दौलत नहीं रहता है, आखिर में आए तो उसे खाने भी नहीं मिलता है और कपड़ा भी नहीं रहता है, ऐसे गरीब को तुम क्या करो, ये सिक्का दे दो। ये बात साधु महाराज ने मुझे कहा है, कहकर राजेश बता रहा है। किसे बता रहा है? राजा शूर सिंह को बता रहा है।
तो फिर बाद में क्या होता है हम देखेंगे। तो यहां पर राजा क्या करता है देखेंगे। आप लिख लीजिए, राजा का नाम शूर सिंहों दूसरे पड़ोसी राज पर आक्रमण करने जा रहा है। राजा को सोने का सिक्का देता है। तो अब मुझे बताइए कि राजेश राजा को सोने का सिक्का क्यों देता है। उसे लगता है कि राजा बहुत गरीब है। राजा बहुत कैसा है? गरीब है। कैसे पता राजेश को? क्योंकि राजा बड़ी सेना लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रहा था। इसीलिए राजेश को लगता है कि राजा बहुत गरीब है। तो जब वो राजा कहता है कि मैं राजा हूं, राजा आप मुझे यह सोने का सिक्का क्यों देना चाहते हो? तो जब वो कहता है एक साधु महाराज ने मुझे इस सोने को सिक्के को दिया है, मैं आपको देना चाहता हूं। तो इस प्रकार हम हमारे व्यवहार से दूसरों को ये नहीं दुख देना नहीं चाहिए। अब तक जो पाठ हुआ है दूसरे दिन के इस पाठ में से हमें यह मालूम कर लेना चाहिए कि हमें जो चीज़ मिलती है, चाहे वो अपनी ना होने पर हम दूसरों को दे देना चाहिए। क्यों? अपने पास सब कुछ है, जब दूसरों को देने के लिए क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो चीज़ हमारी नहीं होती है वे उसे हम नहीं लेना चाहिए। तो और ये भी बताइए कि दूसरों पर आक्रमण करना उचित नहीं है। तो दूसरों पर आक्रमण करना उचित नहीं है। दूसरे राज पर आक्रमण करना उचित नहीं है। तो हम भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, और जो कुछ हमारे पास चीज रहती है वह दूसरों को दे देना चाहिए। क्यों? वह अपनी नहीं हुई है। तो और थोड़े पार्ट में हम अभी थोड़ा सा हमें जाएंगे। तो वो कहता है मैं राजा हूं, राजा। तो बच्चों आज के लिए इतना पार्ट काफी है।
तो एक बार मैं पाठ पढ़ के बताता हूँ, एक बार पढ़ना किस तरह पढ़ते हैं, एक बार आप देख लीजिए। पृष्ठ नंबर 7, ये हमारे राजा शूरसेन है जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए, लीजिए महाराज लीजिए, आप इसे रख लीजिए। तो जब राजा क्या कहता है देखेंगे, बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो, राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा। राजा आश्चर्य के साथ क्यों पूछता है, क्योंकि इसके पास सब कुछ धन दौलत है, एक छोटे से सोने के सिक्के के लिए भी तत्पर नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो फिर भी वो फिर दूसरे राज पर आक्रमण करने क्यों जा रहा है। तो सामने देखिए, राजा महाराज एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना, राजेश कर्णास्वर में बोला, कर्णास्वर में बोला यानी धीमी आवाज में बोला है, हम किसी बड़े अफसर से ऑफिसर से हम बात करते समय या ऑफिसर ही होने दो या अपने से बड़े होने दो या अपने से छोटे होने दो, हमें कैसे बात करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, इस तरह रहकर नम्रता से विनय से रेस्पेक्ट से उनसे हम बात करना चाहिए, क्यों दूसरों से इस तरह हम रहने से आगे का इंसान हमें क्या करता है, हमें अच्छी तरह समझ लेता है। तो बच्चों आज के लिए यह बात काफी है। तो मैं प्रश्न करता हूं, तो राजा का नाम क्या है, राजा का नाम शूरसेन है, तो वह कहां जा रहा था, दूसरे पड़ोसी राज पर, पड़ोसी यानी अपने नजदीकी राज्य के ऊपर, अपने नजदीकी राज्य के ऊपर वह आक्रमण करने जा रहा था। तो राजेश उसको राजेश क्या करता है जब तब राजेश क्या करता है उसे सोने का सिक्का लेकर महाराज की राजा शूर सिंह की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि लीजिए महाराज। तो जब राजा को गुस्सा राजा राजेश से पूछता है कि आप मुझे क्यों देना चाहते हो, फिर बाद में कल का पाठ। धन्यवाद।